हालांकि जो है इसके ताल्लुक से हम देखें, आज तो खैर टाइम टेबल इसका बना दिया गया है कि इतने बजे से जो है आपको टाइम टेबल आ जाता है, कार्ड आ जाता है, इसके ऊपर रहता है कि इतनी बजे से रोज़ा आपकी सहरी आपकी ख़त्म हो गई और इफ्तार इतनी बजे से है, इतनी बजे तक इसके अंदर इफ्तार है, आज कार्ड बना दिया गया। लेकिन जो इसकी सुन्नत हो हम देखें तो इसके ताल्लुक से मिलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लम के दौर में, ये सही बुखारी की रिवायत है हदीस 620, इसके अंदर जो है बिलाल रज़ी अल्लाह के अंदर बिलाल रज़ी अल्लाह अन ये उठाने के लिए सेहरी में उठाने के लिए अजान दिया करते थे और उम्मे मक्तूम जो एक नाबीना साहबी थे, अंधे साहबी थे, वो सेहरी ख़त्म के लिए अजान दिया करते, यानी फजर की नमाज के अजान दिया करते थे। तो ये सुन्नत थी जो आज हम देखते हैं कि आज ये सुन्नत मिट गई है, आज ये सुन्नत पर अमल नहीं होता है, इल्ला ये कि कोई जो है मुस्लिम ममालिक को वहाँ अगर कोई करते हों तो, बाकी तो इसका अमल नहीं होता है। हालांकि सुन्नत है, तो सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, मुतफ़क़ल है रिवायत है कि जो है बिलाल रज़ीलान ये सेहरी के लिए उठाते थे, अजान देते थे और फिर दूसरी अजान दी जाती थी सेहरी खात्मे की और फजर की नमाज की। अब ये सुन्नत होने के बाद भी आज हम देखते हैं कि लोग जो है गैर शेरी काम करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, जबकि सुन्नत मौजूद है। कम से कम मोहल्लों के अंदर, जो मुस्लिम मोहल्ले हैं उसके अंदर तो अहतमाम होना चाहिए कि वहाँ पर जो है लाउड स्पीकर लगे हैं, बड़े बड़े 250 वाट के एम्पलीफायर लगाए, तो इसका अमल करना चाहिए कि सब तक जो है अजान की आवाज़ जाती है तो उस पर ऐलान करना चाहिए, माइक जो है इसके अंदर अजान देनी चाहिए, उससे काम करना चाहिए। लेकिन उसको छोड़कर हम देखते हैं अगर किसी को कहे कि ये है तो बड़ा मसला क्रिएट हो जाए, तुम नई नई बातें आप कर रहे हैं, हालांकि ये जो है बुखारी की रिवायत है। और उसके अलावा हम तो गैर शहरी काम करते हैं, लोग क्या करते हैं उठाने के लिए, कोई झांझर बजा रहा है, कोई ढोल बजा रहा है, कोई कव्वाली बजा रहा है, कोई जो है घरों का अगर घंटियाँ बजा रहा है, कोई दरवाजे के पीट रहा है, कोई खिड़कियाँ पत्थर फेंक रहा है, उठो भाई शहरी का टाइम हो गया, गैर शहरी काम। कोई देखो चिमटे बजा रहा है रात को, तो गैर शहरी काम कर रहे हैं, हालांकि कुछ काम तो हराम है इसके अंदर, ये हुकूकुल इबाद के अंदर से आप जो है इस तरह से काम करते हैं। तो हमारे पास में चीज़ें मौजूद है, उसके बाद भी हम देखते हैं तो ये काम करते हैं, इससे बड़े मसले क्रिएट होते हैं। बड़े मसले क्रिएट है कि आप जो है वो आदमी अब जा रहा है उठाने वाला है और वो उठाने का काम गैर मुस्लिम के मोहल्ले से भी जा रहा है, वहाँ पर कोई मुसलमान नहीं, उसको पता ही नहीं, वहाँ भी वो जो है उठ जाओ भाई उठ जाओ सेहरी का वक्त हो गया, अब वो भी परेशान, तो कहेंगे ये क्या मसला है, अब ये 30 दिन तक रोज़ परेशान करेगा, हालांकि उनको कोई इससे लेना देना नहीं, तो उससे गलत इफेक्ट वो पड़ता है। दूसरा ये है कि वो जाकर शोर मचाते हैं और लोग के और लोग क्या करते हैं, कोई नहीं उठता तो इलेक्ट्रिक पोल होता है उसको बजाते हैं डंडे से, ताकि इसकी आवाज़ बहुत तीखी होती है तो सब उठ जाएंगे। लेकिन आप ये देखें कि जो बच्चे छोटे हैं वो उसके अंदर डर कर उठ जाते हैं, ये क्या हुआ इतनी शोर शराबा, ढोल बज रहा है सुबह सुबह, तो वो उठ जाते हैं। बुज़ुर्ग लोग जो बीमार हैं, बूढ़े हैं, अब उनको क्या रात भर नींद नहीं आती, सुबह सुबह होते उनकी नींद लगती है और आपने जो ढोल बजा दिया, इलेक्ट्रॉनिक बोल जो है पोल बजा दिया, अब उसकी नींद ख़राब हो गई। तो ये तमाम मसाइल आते हैं हुकूकुल इबाद यानी बंदों के हक़ मारने में होता है। गैर मुस्लिम परेशान होता है कि अब तो 30 दिन हमको इनको सहन करना ही पड़ेगा। तो हमारे पास सुन्नत मौजूद है, लेकिन उसको करने की बजाय अब ये जो है गैर शरी काम, इसको उनको तर्क करना चाहिए, सुन्नत को जो है हमको करना चाहिए, उसके हिसाब से करें, कम से कम मोहल्लों के अंदर जो है इसका एहतमाम किया जाना चाहिए। और जो है सेहरी अगर खा रहे हैं तो ये जो है रिवायत हमको मिलती है कि सेहरी अगर तुम खाते हो, सेहरी खा रहे हो और फजर की अजान हो जाए तो जो हाथ में है उसको जल्दी जल्दी खा ले, उसको क्या करें जल्दी जल्दी खा ले, ये अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया, क्योंकि जल्दी जल्दी खा ले ये अबू दाऊद की रिवायत है कि कोई आदमी अजान सुने तो हाथ में का जो बर्तन है उसको जो है वो ना रखे और उसको वो खा ले या उसको जल्दी से पी ले, अपनी ज़रूरत को वो पूरा कर ले। तो अब ये इसका मतलब ये नहीं कि आदमी सोचे कि चलो अब अजान हो रही है मैं तो लेट उठा तो हाथ में जो खा लो, तो उन्हें पूरा टिफ़िन ले लिया हाथ में, चार रोटी ले लिया पूरी खा लूँ मैं हाथ में जितना तो खा लूँ, सुन्नत वो माना नहीं है। यानी कि जो निवाला है तो आदमी एकदम तर्क ना कर देगा, उसको छोड़ दिया वो पानी भी नहीं पी रहा उसके बाद, भाई जो है आपने उसको खा लिया या अभी थोड़ा इस तरह बचा है तो आप उसको खा लें और उस पर पानी पी लें आप, या खजूर वगैरह आपको खाना है तो आप उसमें खा सकते हैं। और सेहरी करना जो है ये जो है सुन्नत भी है। और दूसरा क्या है कि ये सही अलजामे की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लम फरमाते हैं हदीस नंबर 4207 के अहले किताब और हम में फ़र्क सेहरी का है, क्योंकि अहले किताब क्या करते हैं सेहरी नहीं करते और ऐसे ही रोज़ा रखते हैं, तो फ़र्क है उस उनमें और हम में फ़र्क है, तो इसके अंदर मुशाबत हमको इख्तियार वो नहीं करना है और उनसे जो फ़र्क करना है तो इसके अंदर ये हमको मिलता है।